हेलो इट इज़ डॉक्टर शीला टिक्कू स्पीकिंग अबाउट द वर्नर्स थ्योरी वर्नर की थ्योरी जो थी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए ही बनाई गई थी <coughs> मतलब पहले ये माना गया कि कंपाउंड्स जो हैं वो आयनिक या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हो सकते हैं नगर वर्नर ने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो बाहर की वैलेंसी से बनते हैं तो जो बाहर की वैलेंसी होती है उसको धीरे धीरे हम लोग रिप्लेस करते हैं और बाहर की वैलेंसी जो है वो रिप्लेस होती है हेलाइट ऑक्साइड नाइट्रेट सल्फाइड्स इत्यादि से द आउटर वैलेंसी इज़ रिप्लेस्ड बाय हेलाइड्स सल्फाइड्स ऑक्साइड्स नाइट्राइड्स सल्फेट्स यानी दे आर रिप्लेस्ड बाय द कंपाउंड्स विच हैव नेगेटिवली चार्ज्ड वैलेंसीज़, द प्राइमरी वैलेंसी इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल की को दर्शाती है वी वेन ओनली प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉम्ड जब खाली प्राथमिक संयोजकता के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या लीगेंड्स बढ़े जाते हैं तो सामान्य अकार्बनिक यौगिक बनते हैं दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड इट इज सेटिसफाइड बाय नेगेटिव आयन

अब इस प्राइमरी वैलेंसी के बाद आती है सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ईच मेटल इज फिक्स्ड एंड कंपाउंड टू तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ़ मेटल एंड जितना इसका संयोजकता संख्या होती है उतनी ही इसकी द्वितीय संयोजकता होती है व्हेन सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिसफाइड व्हेन सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड देन वॉट हैपन्स The central metal atoms, it makes number of orbitals empty in which the ligands combine and form the compounds. These valences are the secondary valencies which can be defined as different types of shapes, also, such as octahedron, tetrahedron, and square planar. Such type of compounds. Have success in this type of bonding.